हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है, जैसे कि मैंने बताया था, 20 फरवरी और इनॉग्रेशन डे है। मैं और निरंजना मैम रेडी हो गए हैं और हमने, जैसे कि दिख रहा है, हमने पहनी है साड़ी और बहुत नर्वस भी है क्योंकि पता नहीं कैसे होगा, लोगों ने पहनी होगी या नहीं, या फिर हम दो ही वहाँ नमूने नजर आने वाले हैं, बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं कैसी कैसी क्या क्या तैयारियां हुई हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग निकल चुके हैं घर से और बाकी लोग भी होपफुली निकल चुके होंगे। निट्स और जो है कैंप ऑफिस, जो कि जम्मू में है, वहाँ से स्टाफ की बसेस आ रही हैं और जो स्टाफ हमारा विजयपुर में है उनको अपने कन्वेंस से वहाँ पहुँचना था। और आज जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है क्योंकि मोदी जी की रैली है, तो सारी चीज़ें जो है टाइम उनका डाइवर्ट किया गया है, सिर्फ पर्सनल व्हीकल ही आपको रोड में मिलेंगे। और ये मेरे जो एम्स है, मेरे घर से एकदम पास में है, तो बस बातें करते करते थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मेन रोड से हमें डाइवर्ट होना है अंदर की साइड और ये रहा हमारा मेन गेट। बहुत अच्छा लग रहा है आज, लिटरली बहुत वेट किया हमने इस जो है इंस्टीट्यूट के इनॉग्रेशन का, तो फाइनली वो दिन आ गया। जनरल इमरजेंसी, ओपीडी सर्विसेज और इस तरीके से सारी चीज़ों के लिए जो है एंट्री डिवाइडेड है, तो आपको जिस साइड जाना है आप वहाँ से उस गेट से एंट्री लीजिए और एग्ज़िट के लिए अलग गेट दिया हुआ है। तो अभी हमें जाना है कन्वेंशन हॉल, तो चलिए डायरेक्शन तो ले लिए बट थोड़ा सा पूछ लेते हैं। कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है? ऑडिटोरियम अच्छा उस तरफ। जैसा कि आपको पता है, एम्स विजयपुर जो है सेकंड लार्जेस्ट एम्स है इंडिया का, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये और 1661 करोड़ रुपए की लागत से ये एम्स बनकर तैयार हुआ है। जम्मू कश्मीर से जो कनेक्टेड एरिया है, हिमाचल, पंजाब, ले लद्दाख, जहाँ से पेशेंट जो है सीधा अगर कभी रेफ़र होते थे तो वो जाते थे चंडीगढ़, जाते थे दिल्ली, जाते थे, बट यही हो हमारी जो है मोटिव है कि अब पेशेंट को इतना दूर ना जाना पड़े, उन्हें इसी एम्स में सारी फैसिलिटी मिले, उन्हें यहाँ से हमें रेफ़र ना करना पड़े, सारी जो भी सुपर स्पेशलिटी हैं वो सारी फैसिलिटी उनको इसी एम्स में मिले, तो यही हमारी जो है मोटिव है। और हम पहुँचने वाले हैं कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पर चार कॉन्फ्रेंस हॉल हैं और एक ऑडिटोरियम है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। व्लॉग में बने रहिए, पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एम्स की इन्फॉर्मेशन एंड अदर चीज़ों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर अंदर चलते हैं, मेन गेट से एंट्री लेते हैं। ये है कन्वेंशन हॉल का मेन गेट। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me. यहाँ पे ये जो रंगोली है ये नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा बनाई गई है और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत प्यारी रंगोली बनाई थी। सभी लोगों ने यहाँ पे रंगोली के साथ अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं और ये है एम्स का मॉडल। तो फाइनल जो बन के रेडी होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ इसके अंदर है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, सारी चीज़ें होंगी। मतलब कि ये एक ग्लोबल विलेज बन के रेडी होगा, स्टाफ को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहुंच चुके हम एम्स में और अब चलते हैं ऑडिटोरियम में। अभी नर्सिंग ऑफिसर्स तो कोई भी नहीं आए हैं, बट मैम वगैरह मिले हमें, डॉक्टर्स। और हम
आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे कन्वेंशन सेंटर है। तो चलिए चलते हैं, पहले आए हैं तो भाई सीट लेनी बनती है हमारी। चलो निरंजना मैम, बिल्कुल हमें कहाँ से जाना है, यहीं से जाना है ना मुकेश सर? कहाँ फ्रेंड्स, आज का फंक्शन इसी ऑडिटोरियम में होने वाला है जैसा कि आपको देख के भी पता चल ही रहा होगा। और ये ऑडिटोरियम में 1000 कैपेसिटी है, मतलब 1000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। सबकी चेयर्स डिवाइडेड हैं आज के लिए। और ये यहाँ का स्टेज कुछ इस तरीके से डेकोरेट है, सबसे आगे हमारे गेस्ट बैठेंगे, VIP गेस्ट, और उसके बाद जो है नर्सिंग ऑफिसर्स हैं और सब, मतलब जितना भी स्टाफ है सबके लिए हमें अलॉट कर दी गई हैं चेयर्स कि हमें वहाँ आके बैठना है। तो सारे ऑफिसर्स सभी लोग अपने अपने चेयर्स पे आके बैठ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कुछ ही देर में ये ऑडिटोरियम पूरा खचाखच भरने वाला है। हाय बोल दो। हाय join us.
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ हुआ। पीएम आयुष्मान भारत अभी हम सच में देखना चाहते यार। क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। पीएम अभियान ने 17,800 ग्रामीण इलाकों और 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई, जहां कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती है। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी पीएम अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। पीएम अभियान में पूरे देश में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी CCB बनाने की कल्पना की। प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परिकल्पना 100 और 50 बेडों वाले अस्पताल, जिसमें इमरजेंसी मिशन के उद्देश्यों में निर्विवाद प्रगति को दर्शाता है। Honorable Prime Minister Narendra Modi, India had planned to establish 15 new AIIMS centers throughout the nation. There has been an increase of 78% and 18% in MBBS and nursing seats, respectively, in 2023 since 2014. There are current Akhil Bharatiya Ayurvigyan Sansthan, जिसे हम AIIMS जम्मू के नाम से बोलते हैं, उसके उद्घाटन समारोह पर आपका स्वागत करती हूँ। AIIMS जम्मू, the much awaited, I should say, the much awaited inauguration. AIIMS Jammu, an institute of national importance, is a premier state-of-the-art, reliable, high-quality referral center for tertiary healthcare located here at Vijaypur, Jammu, established under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, PMSSY, to address regional healthcare imbalances, encourage evidence-based research, and elevate medical education standards in our country. Today, we have a series of program in which, with great pleasure and honor, I am pleased to inform you that the campus of AIIMS Jammu will be inaugurated by the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, today at 1200 hours. Now, I would like to welcome our esteemed guests and respected institute body members to the stage, please. Professor Dr. Y. K. Gupta, President AIIMS Jammu, former Dean Academics and Head, Department of Pharmacology, AIIMS New Delhi. Professor Dr. Shakti Kumar Gupta, Executive Director and CEO AIIMS Jammu, member and secretary to the Institute Body. General Sunil Kant, MS Dean Research, Head Hospital Administration, AIIMS Jammu, Sir. Professor Dr. Yatin Mehta, Chairman Vedanta Institute of Critical Care Anesthesiology, Harpurgram, Haryana. Professor Dr. S. Ramakrishna, General Secretary, Membership Affairs, Indian Science, Zoology, Janabharti Campus, Bangalore University, Bangalore. Professor Dr. Rajesh Gupta, Professor and Head, Department of Service. Request all the members and guests and dignitaries to kindly take their seats, please, sir. Table in question here, our arrangement very bad. I would now like to request our talented students to kindly formally felicitate and welcome Professor Dr. Y. K. Gupta, President AIIMS Jammu, formerly.
May we have a great applause for all the IB members, our hosts, and our speakers. Abhas is more than just a magazine. So we congratulate AIIMS Jammu and all the students, and the magazines will be distributed to you by your respective CRs, nursing officers, their respective nursing coordinators, and will be distributed to the guests by our in-charges. इनॉग्रेशन डे का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपको दूंगी। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी। आई होप आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एंड सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक और न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।